चलिए, तो प्लूरा की बातें अपन यहाँ पे करेंगे। तो देखो, कुछ टॉपिक जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। अपन जो भी बातें कर रहे हैं, एकदम जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है उसी के पॉइंट टू पॉइंट अपन चलते हैं, और वही चीजें अपन पढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा डीप भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एनाटॉमी में बहुत कुछ है। पढ़ाने लगेंगे तो एक छोटा टॉपिक ही बहुत दिनों तक चल सकता है। लेकिन हाँ, अपने कुछ निर्धारित हैं, कुछ टॉपिक लगभग जो है वही चीजें जनरली पूछी जाती हैं, उसके बाहर जो है वो चीजें नहीं आती हैं। और दूसरी, इसमें बात करें तो अपन बहुत ज्यादा सरफेसली भी नहीं पढ़ रहे, बहुत ज्यादा डीप भी नहीं जाएंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले कुछ चीजें कि जो कितनी चीजें अपन ने डिस्कस कर ली है और कितनी चीजें अपनी बची हैं, थोड़ा सा अपन इस मामले में देखेंगे। देखिएगा, जब अपन ने शुरू किया था तो अपन ने कहते हैं अपने सिलेबस के ये 5 पॉइंट है। सिलेबस में बात करेंगे तो ये 5 पॉइंट है जिसमें अपन लगभग कर चुके हैं। ब्रोंकियल ट्री अपना हो गया है, लंग्स अपने हो गए हैं, है ना, क्लिनिकल एस्पेक्ट के साथ अपन ने लंग्स पूरे किए। रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात अपन ने की, नेजल कैविटी देखा, फेरिंग्स देखा, लेरिंग्स देखा, ट्रेकिया अपन ने देख लिया। अभी अपन यहाँ पे आ रहे हैं प्लूरा एंड इट्स क्लिनिकल एस्पेक्ट। कहने का मतलब अपन पहले एक ऑर्गन पर्टिकुलर को पढ़ते हैं और उसके बाद में उसकी कुछ क्या क्लिनिकली कैसे केस उसके आ सकते हैं, क्या उसमें डिजीज कंडीशन बन सकती है ना, तो वो सारी चीजें अपन देखते हैं। इसके बाद में दो और बचेंगे, डायफ्राम एंड हिस्टोलॉजी, वो अपना एक क्लास और लगेगी। आज अपन प्लूरा की बात करते हैं, ठीक चलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि प्लूरा होती क्या है। तो पहले भी अपन कह चुके हैं कि जो अपने लंग्स होते हैं ना, है ना, मान लीजिएगा ये अपने लंग्स है, नीचे आ जाइए, डायग्राम की मदद ले लेते हैं। ये अपने लंग्स, ठीक है, ये फेफड़ा, और यहाँ पे मान लीजिएगा ये एक पूरा फेफड़ा हो गया। इसके बाहर एक तो ये लेयर जो रेड कलर में दिख रहा है अपने को, है ना, और एक ये वाली लेयर, मतलब दो एक ऐसी लेयर होती है, इतनी दूर नहीं होती है, ये एक समझाने के लिए कह सकते हैं। बाकी ऐसे दो लेयर होती हैं, एक होती है जो एकदम लंग्स के एकदम चिपक के चलती है ना, एकदम पास में रहती है, और एक होती है कि वो थोड़ी दूर होती है, थोड़ी उसके बीच में स्पेस होती है। अच्छा, ये चीज सभी के साथ होती है, ये सिर्फ लंग्स के साथ नहीं है, ये बॉडी के हर ऑर्गन के साथ होती है। और वास्तविक इसका नाम होता है पेरिटोनियम। एक एक चीज है ना, समझिएगा, कोई भी शब्द अगर आपको ऐसा लगता नहीं है, समझ में नहीं आया, तो मैं आपको फिर से बता दूंगा, लेकिन आपको समझते हुए चलना है। कोई ऐसे छोटे शब्द हैं आप गूगल से भी समझ लेते हो, बाकी मेरे से पूछोगे मैं आपको समझा दूंगा। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम बोलते हैं। और ये दो होती है, पेरिटोनियम हमेशा दो होती है, एक होती है विसरल पेरिटोनियम और एक होती है पैराइटल पेरिटोनियम। जो अंदर वाली होती है उसको बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम, और जो बाहर वाली होती है उसको बोलते हैं पैराइटल पेरिटोनियम, ठीक है। अब आप देखोगे कि इसके बीच में एक केविटी बन गई। अब एक बार हो गया, एक लेयर इधर बाहर है, एक लेयर अंदर की तरफ है, तो इसके बीच में क्या बन गई, एक गुहा बन गई, एक केविटी बन गई, है ना। और इस केविटी को बोलते हैं, जो भी हो गई, जैसे इसको पेरिटोनियल केविटी बोलते हैं, ये मैं हर ऑर्गन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसको बोलते हैं पेरिटोनियल केविटी, ठीक है। और इसमें हमेशा ही एक फ्लूड भरा रहेगा। वो फ्लूड क्यों रहता है, ये बहुत जो सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं ना उनके बाहर होता है, जैसे हार्ट के बाहर हो गया, जैसे अपना लंग्स के बाहर हो गया, इस प्रकार से अपन कहेंगे। तो इसके अंदर एक फ्लूड भरा रहता है जो कि क्या बचाता है, इसका डैमेज होने से बचाता है। तो यहाँ पे अगर फ्लूड होगा तो अचानक कोई झटका लगेगा तो एक प्रकार से वो उसको क्या देगा, सस्पेंशन देगा, उसको थोड़ा इधर उधर हिलने का मौका देगा, ताकि उसको कोई डायरेक्ट इंजरी ना हो। इसके अंदर इसलिए एक फ्लूड भरा रहता है जिसको बोलते हैं पेरिटोनियल फ्लूड, ठीक है, इसको बोलते हैं पेरिटोनियल फ्लूड। अब देखो, सबसे पहले मैंने कहा कि भाई पेरिटोनियम होती है हर ऑर्गन के बाहर, और पेरिटोनियम की दो लेयर होती है, बाहर वाली को बोलते हैं पैराइटल पेरिटोनियम, और अंदर जो चिपक के रहती है उसको बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम, ठीक है। इनके बीच में जगह होती है, इसको बोलते हैं पेरिटोनियल केविटी, और इसके अंदर एक फ्लूड भरा रहता है, उसी को बोलते हैं पेरिटोनियल फ्लूड। और ये बातें मैंने पहले भी कर ली थी, है ना, फ्लूड वगैरह, फ्लूड ज्यादा हो जाता है तो उसको कैसे निकालते हैं, ये सब बातें अपन ने कर ली थी। अब देखिएगा, अब मान लीजिएगा बात हो रही है लंग्स की, तो अपने आप अब अलग अलग बोलना पड़ेगा ना। आज अपन लंग्स की बात कर रहे हैं, कल मान लीजिएगा अपन हार्ट पढ़ेंगे तो अपन क्या कहेंगे, हार्ट की पेरिटोनियम। लंग्स पढ़ रहे हैं तो अपन कहेंगे लंग्स की पेरिटोनियम। तो इससे बढ़िया क्या किया कि एक नाम रख दिया इसका, कि लंग्स की पेरिटोनियम की बात होगी तो उसको बोलेंगे प्लूरा। प्लूरा शब्द का मतलब ही लंग्स होता है, ठीक है, तो इसका कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस पेरिटोनियम का नाम क्या रख दिया, प्लूरल पेरिटोनियम, ठीक है। इसी प्रकार से हार्ट वाली है तो कार्डियल हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये हो गया, तो एक बात करें तो
नाम तो इसका क्या होता है, बेसिकली तो पेरिटोनियम होता है, लेकिन क्योंकि ये लंग्स के बाहर है इसलिए इसको क्या बोल दिया, प्लूरा बोल दिया। अलग अलग जो ऑर्गन्स रहेंगे उसके हिसाब से अलग अलग, जैसे कि अपन क्या कहते हैं कि भाई मान लीजिएगा आपको ब्लॉकेज है, सपोज कीजिए अपन बात करते हैं कि भाई एक ऑर्गन है, एक पर्टिकुलर पेशेंट है, उसके कोई ब्लॉकेज है, तो अपन कहेंगे भाई कहाँ पे ब्लॉकेज है, तो अपन कहेंगे कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी। तो ब्लॉकेज कहाँ है, अपने को पता चल गया कि आर्टरी में ब्लॉकेज है, लेकिन नाम बोल दिया कोरोनरी। अब उस व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं है कि हार्ट की एक आर्टरी है उसमें फ्लो नहीं, कोरोनरी से अपन समझ गए कि कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो कहाँ ब्लड सप्लाई करती है, वो हार्ट में सप्लाई करती है। ठीक है, इसी प्रकार से एक आता है पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी से आप समझ गए कि ये कहाँ से संबंधित है, ये कहाँ संबंधित हो गया, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो अपना लंग से संबंधित है। चलिए बताइए मुझे हेपेटिक वेन कहाँ से संबंधित है, कौन से ऑर्गन से संबंधित बता पाओगे? और हाँ जी हाँ बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा मैं सही करवा दूंगा, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे कि ये मैंने बताया कोरोनरी हार्ट से होता है, हेपेटिक जो सिस्टम है, मैं एक एक चीजें याद करवा दूंगा, आपको परेशान नहीं होना है, मैं बस ये देखना चाह रहा हूँ कि हाँ कितना अपने को पता है कितना नहीं पता है, जो नहीं पता है वो मैं फिल कराऊंगा। तो हेपेटिक को भी शब्द है, हेपेटिक का मतलब क्या होता है, लीवर। हेपेटाइटिस डिजीज का नाम सुना है ना, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस तो मैंने कहा था हेपेट जो शब्द हो गया हेपेट, वो किसके लिए होता है, वो लीवर के लिए होता है। और आइटिस का मतलब क्या होता है, इंफ्लामेशन होता है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी चीज के लास्ट में आइटिस लग जाएगा तो वो क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, इसका मतलब कहीं भी आइटिस मिल गया आपको। ठीक चलेगा, जैसे रीनल, रीनल शब्द किसके लिए होता है, तो आरएफटी करवाते ना, रीनल फंक्शन टेस्ट कभी सुना होगा, तो ये थोड़ा सा जरूरी हो जाती है चीजें, है ना। तो मैं बता दूंगा, अभी तो फर्स्ट ईयर है अपनी, आराम से धीरे धीरे अपन सीखते रहेंगे। रीनल का मतलब होता है जो किडनी से संबंधित हो, तो जैसे अपनी एनाटॉमी कंप्लीट होगी ना, ये सब कुछ आपको आता रहेगा, और बीच बीच में मैं क्या पूछता भी रहूंगा, तो उससे थोड़ा रिविजन हो जाएगा अपना। तो मैंने क्या सीखा है यहाँ पे कि प्लूरा होती है, प्लूरा की दो लेयर होती है, एक पेराइटल प्लूरा होती है और एक विसरल प्लूरा होती है, वो पेरिटोनियम को ही बोलते हैं, सभी ऑर्गन्स के बाहर होता है ये, क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया, इसी के बारे में अपन पढ़ेंगे। पहले मैंने थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, प्लूरा से 100% क्वेश्चन निकल के आता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लूरा। अब देखो समझ में आ गया प्लूरा क्या है, कि प्लूरा इज ए सीरस मेम्ब्रेन लाइन बाय मीजोथीलियम फ्लैटेंड एपिथीलियम। एपिथीलियम का मतलब क्या होता है, जिसके बाहर कोई लेयर हो उसी को एपिथीलियम बोलते हैं, तो लंग्स के बाहर एपिथीलियम मतलब ऊपर, तो लंग्स के ऊपर ही तो है ये, एक प्रकार से प्लूरा क्या हो गई, एपिथीलियम की तो लेयर हो गई ना, ये दोनों तो वही है, तो इसके एपिथीलियम है, उसको क्या बोल दिया। अच्छा इसको भी क्या, ये मीजोडर्म से जनरेट होती है, फिर रिलेटेड होती है, इसलिए उसको मीजोथीलियम बोल दिया, है ना, ज्यादा जरूरत नहीं, ये भी सभी के बाहर होती है। कुछ ऑर्गन्स होते हैं वो मीजोडर्म से बनते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो एक्टोडर्म से बनते हैं, और कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो एंडोडर्म से बनते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब अपना जायगोट बनता है ना, जायगोट का फिर क्या होता है, डिवीजन होता है। जायगोट क्या होता है, जब ओम और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं और फिर वो क्या है, आगे से आगे डिवीजन करते रहते हैं। फिर तीन प्रकार की सेल बनती है, एक होती है एक्टोडर्मल सेल, ठीक है लिख लीजिएगा भले ही, एक होती है एक्टोडर्मल सेल, एक होती है एंडोडर्मल, और एक होती है मीजोडर्मल। ठीक है, लेयर होती है बस, एक प्रकार से तीन प्रकार की लेयर होती है, और इन लेयर से जो है अलग अलग लेयर से बहुत सारे ऑर्गन्स बनते हैं, तो कहते हैं एक्टोडर्मल ऑर्गन कौन कौन से हैं, मीजोडर्मल कौन से हैं, है ना ऐसे। तो ये अपन बात करें लंग्स की बात करें या फिर प्लूरा की, तो ये मीजोडर्मल ओरिएंटेड, ठीक है ऐसे तीन प्रकार की लेयर होती है ऐसे। तो ये क्या हो गई, ये मीजोडर्मल हो गई, ठीक है ये एंडोडर्मल हो गई, है ना, ये एक एंडोडर्मल हो गई और ये एक्टोडर्मल हो गई, है ना, तो अलग अलग चीज हो गई, तो ये कहाँ से ओरिएंटेड होगी, मीजोडर्म से, इसलिए इसको क्या बोल दिया, मीजोलिथियम बोल दिया। ठीक है, ये जरूरत नहीं, एक प्रकार की एपिथीलियम ही होती है। ठीक है, दूसरी चीज अपन देखते हैं, देर आर टू प्लूरल सेक्स, दो प्रकार के प्लूरल सेक्स, एक का मतलब होता है थैला, है ना, दो थैले होते हैं, थैले का मतलब क्या हो गया, जो केविटी अपन ने बात की, या फिर अपन कहेंगे कि दो प्लूरल सेक्स हो गए, वन ऑन बोथ साइड ऑफ मीडियस्टम, दो प्रकार के थैले हो गए, थैले मतलब ये एक प्रकार का क्या है, एक थैला ही तो हो गया पूरा, ठीक है ये एक प्रकार का क्या हो गया, बैग हो गया, और इस बैग में क्या है, इस बैग में अपने लंग्स है, समझ गए ना, तो ये दो हो गए, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। देखो अब अगली क्या बात कर रहे हैं, कह रहा है कि दो प्लूरल सेक्स होते हैं, सेक मतलब थैला होता है, वन ऑन बोथ साइड ऑफ मीडिया स्टेनम,
एक मतलब मीडिया स्टेनम के दोनों तरफ एक एक होगा। मीडिया स्टेनम क्या होता है ये समझे, पहले ही मैंने कहा था मीडिया स्टेनम की थोड़ी सी बातें मैंने आपको बताई थी। अब अपन मीडिया स्टेनम को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखो मीडिया स्टेनम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो अलग से पूछा जाता है, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक इमेज लगाई है मीडिया स्टेनम को समझने के लिए। देखिएगा ये थोड़ा सा एक पूरा एक व्यू बताया गया है इस प्रकार से, ये लेटरल व्यू है और ये जो है ये पूरा सामने से बताया गया है ना, यहाँ से आप थोड़ा सा समझिएगा। ये एक लंग्स एक फेफड़ा हो गया, ठीक है, इस प्रकार से पूरा है ना नीचे तक गया हुआ ये हो गया, और ये दूसरा फेफड़ा हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया, और ये जो ब्लू वाला पार्ट है यहाँ पे ये इतना, मतलब दोनों प्लूरा के बीच में ये क्या हो गई, फेफड़ों के बाहर कौन सी कैविटी होती है, प्लूरा हो गई, तो प्लूरल कैविटी हो गई इधर, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्लूरल सेक बोलते हैं, है ना, जिसके अंदर लंग्स रहते हैं अपने दोनों तरफ होते हैं, तो दो प्लूरल सेक, किसके दोनों तरफ मीडिया स्टेनम के, ये ब्लू वाला पार्ट है ना इसको बोलते हैं मीडिया स्टेनम। अच्छा होता क्या है, एक लाइन में अगर समझे तो दोनों फेफड़ों के बीच में जो जगह बसती है उसी को क्या बोलते हैं, मीडिया स्टेनम बोलते हैं। भाई इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें कुछ ऑर्गन्स आते हैं, पूछा जाता है कि मीडिया स्टेनम के ऑर्गन्स बताइए कौन कौन से, ठीक है, ये एक बहुत ही पेट क्वेश्चन रहता है कि आपको मीडिया स्टेनम समझ में आ रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है कि दोनों फेफड़ों के बीच की जो जगह होती है ना इसी को भाई साहब मीडिया स्टेनम बोलते हैं, और टीचर्स बहुत मन से क्वेश्चन भी पूछते हैं कि बताइए मीडिया स्टेनम क्या होती है। और इस मीडिया स्टेनम के बीच में देखिएगा आप, पूछा जाता है कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, तो पहली चीज भाई क्या फेफड़े मीडिया स्टेनम के अंदर है क्या, देखिए मुझे बताइए क्या फेफड़े मीडिया स्टेनम के अंदर है, नहीं है ना, लंग्स जो है वो मीडिया स्टेनम के अंदर है? नहीं है, क्यों, क्यों भाई, ये तो बाहर रह गए, ठीक है, तो मीडिया स्टेनम के अंदर क्या क्या है, लंग्स को काट दीजिए। क्या हार्ट मीडिया स्टेनम के अंदर है, बिल्कुल है। क्या थाइमस, थाइमस ग्लैंड होती है एक प्रकार की, है ना, तो क्या मीडिया स्टेनम के अंदर है, हाँ है, ये एक धागे के समान होती है, कभी बताएंगे पढ़ाएंगे तब। आओटा होती है, आओटा ये है मतलब बहुत बड़ा जो बड़ी पाइप होती है उसी को बोलते हैं आर्टरी, फिर आर्टरी से बड़ा बनता है आओटा बनता है, ठीक है। ट्रेकिया क्या इसके अंदर है, बिल्कुल है। थायराइड ग्लैंड है, ट्रेकिया के दोनों तरफ, बिल्कुल है। तो मीडिया स्टेनम में कौन कौन है, थायराइड है, ट्रेकिया है, आउटा है, थाइमस है, हार्ट है, लंग्स नहीं है, ठीक है, समझ गए। तो ये होती है मीडिया स्टेनम। तो अब देखिए लाइन क्या कह रही है कि भाई प्लूरा जो होती है वो क्या होती है, दो प्लूरल सेक होते हैं और वो दोनों तरफ होते हैं मीडिया स्टेनम के दोनों साइड होते हैं। प्लूरा हैज टू लेयर, एक होती है पैराइटल प्लूरा और एक होती है विस्ट्रल प्लूरा। विस्टल प्लूरा वो होती है जो लंग्स के एकदम चिपक के रहती है, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, एकदम चिपक के रहती है, और पैराइटल प्लूरा वो होती है जो बाहर रहती है, जो दूर होती है ना, दूर वाली को पैराइटल बोलते हैं, ठीक है। विच एनक्लोजेस द प्लूरल कैविटी इन बिटवीन, उनके बीच में क्या होता है, प्लूरल कैविटी होती है। लैंग्वेज मैंने इसीलिए लिख रखी है ताकि आप एग्जाम में थोड़ा यहाँ से पढ़ोगे तो एग्जाम में लिखने के लिए शब्द मिलेंगे आपको। जैसे कि वो क्या बनाती है, दोनों पैराइटल और विस्टल प्लूरा के बीच में क्या होती है, प्लूरल कैविटी होती है, तो क्या लिखेंगे, विच एनक्लोजेज प्लूरल कैविटी इन बिटवीन, अपने बीच में क्या रखते हैं, प्लूरल कैविटी रखते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है सरफेस मार्किंग। सरफेस मार्किंग मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया था कि आपको सरफेस मार्किंग कैसे कैसे करनी है। क्वेश्चन आता है सीधा का सीधा, क्वेश्चन आता है कि लंग्स की सरफेस मार्किंग बताइए, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो पहले तो समझ लीजिए कि सरफेस मार्किंग का मतलब क्या होता है। सरफेस मार्किंग का मतलब यही होता है कि आप मुझे वो पॉइंट्स बता दीजिए जहां पे अगर मैं कट लगाऊंगा तो मेरे को फेफड़े दिख जाएंगे और उनको कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो आप क्या बताओगे, एक पॉइंट ये बताओगे, एक पॉइंट ये बता दोगे, एक पॉइंट ये बता दोगे, एक पॉइंट ये बता दोगे, एक पॉइंट ये बता दोगे। तो क्या यहाँ से लगभग मैं एक अंदाजा लगा सकता हूँ कि ऐसे ऐसे अगर आप कट लगाते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, एक फेफड़ा मिल जाएगा। अब यहाँ पे कोई पॉइंट बता देगा, यहाँ पे कट लगाएगा तो बीच में से लंग्स कट जाएगा, तो आपको सही सही पूरा सही लंग्स आपके हाथ में नहीं मिलेंगे, आप समझ रहे हो। तो अपने को कहाँ आखिरी पॉइंट होता है वो नाम अपने को याद रखना है, और उस जगह का कोई नाम भी होगा, और उसको उसका प्रमाण लेने के लिए, उसका नाप लेने के लिए अपने पास में कुछ विधियां होती है, यही अपने को बताना होता है कि सरफेस मार्किंग क्या चीज होती है। पहले ही मैंने आपको बता दी थी सरफेस मार्किंग, देखिएगा थोड़ी सी बातें और करते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पे सरफेस मार्किंग किसकी बतानी है, प्लूरा की बतानी, पल्मनरी या फिर विसरल प्लूरा, है ना, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिएगा कह रहा है कि इट इज फर्मली अडेरेंट टू प्लूरा एंड कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम इट। एक होती है विसरल प्लूरा, ठीक है, ये किससे चिपकी होती है, लंग्स से चिपकी होती है ना, ये होगा अडेरेंट टू, लंग्स कह सकते हैं, या फिर मतलब जो एकदम किसके चिपकी है, विसरल वाली किसकी रहती है, लंग्स के एकदम चिपक के रहती है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट। अब जैसे मान लीजिए, अब कहने का मतलब आप किसको मार्क कर रहे हो, आप विसरल प्लूरा को मार्क कर रहे हो,
है ना, एक प्रकार से आप किसको मार्क कर रहे हो, किसकी सरफेस मार्किंग कर रहे हो, विस्लर प्लूरा की। अब विस्लर प्लूरा की सरफेस मार्किंग कर रहे हो, इसका मतलब आपको लंग्स की ही मार्किंग करनी है। तो लंग्स की मार्किंग मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि किस प्रकार से आपको लंग्स की मार्किंग करनी है। तो देखिएगा, अपन थोड़ा सा ऊपर चलते हैं लंग्स की मार्किंग समझने के लिए, कहां से अपन ने बात की थी। देखिएगा, लंग्स के उस टॉपिक्स अपन ने पढ़े थे, जैसे कि अपन ने अपेक्स पढ़ा था, है ना, ये वाला, यहाँ पे अपन ने पढ़ा था सरफेस मार्किंग ऑफ लंग्स। मैं वापस नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको एक थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ। जैसे अपन ने कहा था अपेक्स, अपेक्स का मतलब क्या होता है, जो ऊपर वाला कोना था, है ना, फेफड़ा ऐसे बनता है, मान लीजिएगा इस प्रकार से बना होता है लगभग, ये ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं चोटी, तो वो क्या हो गया, एपेक्स हो गया। इधर वाला जो होता है किस साइड, जो अपने बीच में स्टर्नम होती है ना, उसकी तरफ जो होता है इसको बोलते हैं एंटीरियर बॉर्डर, इसको बोलते हैं एंटीरियर बॉर्डर। और जो इधर पीछे रह गया इसको बोलते हैं लेटरल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर। अब देखो पूरा भी नहीं याद हो ना, तो छोटी छोटी चीजें है ना, एकदम अपनी देसी भाषा में समझेंगे। पर अपेक्स का मतलब क्या है, अपने को ऊपर जो सबसे ऊपर गर्दन के पास तक लंग्स आए रहते हैं उस चोटी का नाम होता है अपेक्स, और वो कहाँ होगी, 1 इंच अबव द मीडियल 1/3 ऑफ क्लेविकल। यहीं पे प्लूरा, प्लूरा का भी सेम ही लिखना है आपको, विसरल प्लूरा पूछे तो आप सेम ही लिख दोगे, क्योंकि एकदम लंग्स की चिपक के रहती है। तो 1/3 ऑफ क्लेविकल, क्लेविकल जो बोन होती है जिसको अपन कोलर बोन बोलते हैं, जो जस्ट नीचे होती है, अपन छूते हैं ना गर्दन के जस्ट नीचे होती है, उसका 1/3 पार्ट निकालते हैं। इसके दो हिस्से करते हैं, एक तो 1/3 करते हैं, एक 2/3 करते हैं। नहीं है सर, तो जब क्लेविकल अपन पढ़ेंगे तब अपने को पता चलेगा कि 1/3 का मतलब क्या है। अभी आप इतना याद कर लीजिए, 1/3 ऑफ क्लेविकल, हाँ ठीक। हाँ ठीक अब देखिएगा इसके अंदर, जी कहा इसके अंदर देखिएगा 1/3 अपन याद करेंगे, तो यहाँ पे अपेक्स कहां तक गया हुआ, ऊपर तक गया, कहां अपनी गर्दन के लगभग, तो कहां तक, देखिए अबव द लेवल ऑफ एंटीरियर एंड ऑफ फर्स्ट रिब, जो ऊपर ही ऊपर अपनी पहली रिब है, पहली रिब क्लेविकल तक होती है अपनी, और वहां तक जो है कहां जाता, उसके भी थोड़ा सा ऊपर जाता है, अबव मतलब थोड़ा ऊपर जाता है, इसको क्या बोलते हैं, अपेक्स बोलते हैं। तो आपको सिर्फ अपेक्स को याद रखने, दो चीजें याद रखनी है, एक तो पहली रिब जो होती है ना फर्स्ट रिब के भी ऊपर, इतना जरूर याद रख लेना, पूरा भी नहीं याद रखे तो वहां पे हिंदी में लिखाना कि फर्स्ट रिब के ऊपर, कम से कम ये रहेगा, हाँ बच्चे को पता है, समझ रहे हो मेरी बात। दूसरा है मीडियल 1/3 ऑफ क्लेविकल तक, कितना, इससे भी ऊपर, 1 इंच अबव द मीडियल 1/3 ऑफ, तो क्लेविकल से भी ऊपर तक होता है लंग्स, है ना, बहुत बड़े होते हैं। दूसरा आता है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ राइट लंग, अब किसकी बात कर रहे हैं, एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर का मतलब क्या होगा, जो कि अपने किधर है, एक प्रकार से अपन कहें स्टर्नम की तरफ। अब देखो 3 पॉइंट इनके याद रख लेना, है ना, ये सब मत याद करना भरी, लेकिन ये किधर होता है, स्टर्नम की तरफ होता है। तो एक तो वो जॉइंट याद रखना है जो स्टर्नम को क्लेविकल से जोड़ता है, जो जस्ट आपके नीचे, जहां ऐसे खड्डा सा है ना आपके जस्ट गर्दन के नीचे, जहां पे हड्डी महसूस होती है उसको बोलते हैं स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, जहां पे स्टर्नम क्लेविकल से जुड़ती है, ठीक है। दूसरा आता है मीडियन प्लेन एट द स्टर्नल एंगल, जस्ट इसके थोड़ा बीच में सेंटर में होता है मीडियन प्लेन, इतना याद रखें। और दूसरा होता है अबव द जीफो स्टर्नल जॉइंट, जीफो स्टर्नल जॉइंट होता है नीचे अपने पेट के पास में, एक जहां पे बोन खत्म होती है उसको बोलते हैं जीफो स्टर्नल जॉइंट, उसको जीफोइड प्रोसेस भी बोल देते हैं बोलता है। ये 3 बिंदु आपको याद रखते हैं, यही उसके लिए होते हैं, किसके लिए, विसरल प्लूरा के लिए, क्योंकि विसरल प्लूरा एकदम अटैच रहती है, इसीलिए मैंने वही पॉइंट लिख दिया, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, है ना। तो वही सारे की सारी चीजें हैं, देखो स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, है ना, मीडियन प्लेन और स्टर्नल एंगल, पॉइंट 1 मीडियन प्लेन जस्ट अबव द जीफो स्टर्नल जॉइंट, कहने का मतलब वही सारी चीजें हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं याद करना, एक बार एक एक पॉइंट याद कर लेना, फिर वापस पढ़ोगे तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा। दूसरी बात करते हैं अपन, थोड़ी सी पैराइटल प्लूरा की बात कर लेते हैं। पैराइटल प्लूरा क्या किया कि भाई, कह कि भाई थिकर देन पल्मोनरी, मतलब पल्मोनरी प्लूरा या फिर विसरल प्लूरा, पल्मोनरी प्लूरा इसलिए लिख दिया क्योंकि लंग्स के एकदम टच में रहता है ना, यहाँ पे लंग्स कर लेना, है ना, ये नाम थोड़ा सा एडिट कर लेना आपने, लंग्स लिखना है, ठीक है, बाद में कर लेना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि भाई पैराइटल प्लूरा की बात अपन करते हैं, तो जिस साइड के प्लूरा हो ना उसको वही नाम दे दिया, जैसे कोस्टल मतलब होता है वर्टी, ये अपनी वर्ट, ये जो रिब्स होती है उनको बोल दिया कोस्टल, तो रिब्स की तरफ जो प्लूरा आई, मतलब जिस प्लूरा की तरफ रिब्स आए उसका नाम कर दिया कोस्टल प्लूरा, जो डायफ्रम, जो नीचे की तरफ जो प्लूरा हुई उसको बोल दिया डायफ्रेगमेटिक प्लूरा, है ना, जो मीडिया स्टर्नल मतलब स्टर्नम की तरफ या फिर मीडिया स्टर्नल स्पेस की तरफ,
है ना, मीडिया स्टेनम की तरफ। अभी समझ में आता है ना आपको, मीडिया स्टेनम आना चाहिए भाई उसकी तरफ, जो प्लूरा है उधर अगर प्लूरा आती है उसको बोल दिया मीडिया स्टेनल प्लूरा। और जो ऊपर गर्दन, सर्वाइकल शब्द होता है गर्दन के लिए, टर्म्स पे ध्यान देना भाई, और ऐसे नाम लिख के आओगे तभी एग्जाम में नंबर आएगा। सर्वाइकल मतलब जो गर्दन होती है, गर्दन की तरफ जो प्लूरा है किस साइड, जो अपेक्स के ऊपर है, उसको बोल देते हैं सर्वाइकल प्लूरा। अब ये इससे थोड़ी सी मोटी होती है तो अपन समझ जाएंगे, इससे थोड़ी जगह छोड़ देना और तो क्या है ना। तो कहने का मतलब यही है, इसके ज्यादा सरफेस मार्किंग याद नहीं करनी है। और इसकी विसरल प्लूराई क्या लिख दोगे, जो लंग्स वाली है वही लिख दोगे। और अब भाई मैं पूछूंगा अभी फिर बीच बीच में, है ना, कि क्या है मुझे मार्किंग बताइए, है ना, तो याद भी कर लेना साथ में। अब आता है पल्मोनरी लिगामेंट की बात अपन करते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि लिगामेंट क्या होता है ना, बहुत बार ऐसे होता है कि बाइक से गिर गया, लिगामेंट टूट गया, कोई मुझे हल्की सी परिभाषा देगा कि व्हाट इज लिगामेंट। कोई बच्चा अगर थोड़ा सा कुछ भी बोलने में इंटरेस्टेड रहे तो मैं सम्मान करूंगा, आप पहली साल के नए बच्चे हो एकदम, तो मैं कुछ भी आपका गलत नहीं मानूंगा कि आपको नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको पहले से थोड़ा पता रहता है इसलिए पूछ रहा हूँ। तो मसल टू हाँ पास में जा रहे हो लेकिन थोड़ा गलत है, और बोलिएगा मैं बता दूंगा क्या होता है ये वास्तव में। अगर दूसरा ट्राई करना चाहो, दूसरी चीज बोल सकते हो, ये गलत है, ऐसा ही कुछ है इसमें भी। हाँ जी चलिएगा। तो जैसे स्ट्रक्चर होती है शरीर में, देखिएगा बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है, बोन से बोन को जोड़ना नॉर्मल जॉइंट हो गया, अपन समझते हैं, लेकिन एक बोन से मसल को जोड़ना, ठीक है, एक अलग बात होती है थोड़ी सी, है ना, बहुत बार टूट जाते हैं ऐसे, है ना, बोन से मसल अलग हो जाती है, तो वो होता है टेंडन, ठीक है, वो क्या होता है टेंडन होता है, एक बोन से एक मसल को जोड़ दिया गया, वो क्या हो गया टेंडन हो गया। लेकिन मान लीजिएगा एक अपना जॉइंट हो गया, मान लीजिएगा दो जॉइंट है, लेकिन अकेला जॉइंट जो है इतना सफिशियंट नहीं होता, इसलिए दोनों बोन को भी आपस में जोड़ा जाता है। बोन टू बोन का जो कनेक्शन होता है वो कौन करवाता है, वो लिगामेंट करवाता है। तो याद रखना बोन टू मसल कौन जुड़ा था, टेंडन, टेंडन बोलते हैं उसको, है ना, इसका नाम याद नहीं आ रहा, बाद बताएंगे अभी हिंदी में याद नहीं आ रहा। और लिगामेंट होता है जो बोन से बोन जुड़ती है ना, तो ये लिगामेंट होता है, ठीक है। देखो कह रहे हैं आपसे कोई पूछे भाई पल्मोनरी लिगामेंट होता है क्या, तो आपको क्या बताना है कि पल्मोनरी लिगामेंट क्या करता है। लिगामेंट एक प्रकार से, यहाँ पे कोई बोन नहीं है ना, लिगामेंट का मतलब ऐसे नहीं होता है कि बोन से बोन ही जोड़ रहा है, ऐसे कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन जनरली ऐसा पूछे आपसे लिगामेंट तो बोन टू बोन जोड़ने वाला होता है। अब लंग्स में तो कोई वो है ही नहीं, तो क्या करेगा ये अपने हाइलम को जोड़ देता है, ऐसे हाइलम को ऐसे बांध के रखता है, इसलिए इसको लिगामेंट बोल दिया। अच्छा ये कोई ट्रू लिगामेंट होता भी नहीं है क्योंकि जोड़ता है, इसलिए यहाँ पे लिगामेंट नाम रख दिया। देखो पैराइटल प्लूरा जो बाहर वाली प्लूरा होती है वो ही क्या करती है, सराउंडिंग रूट ऑफ लंग्स, वो ही क्या करती है रूट्स को ऐसे ढंग से कस लेती है, ऐसे उसके बार 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 होती है ना, तो वो ही क्या बोलते हैं उसी को पल्मोनरी लिगामेंट बोल देते हैं, है ना। तो अगर पूछे कि भाई पल्मोनरी लिगामेंट होते हैं क्या, हाँ तो बता देना कि भाई पैराइटल प्लूरा जो होती है वो रूट ऑफ लंग के बाहर जो ऐसे साउंड करती है। रूट ऑफ लंग का मतलब होता है बहुत सारे ऐसे जहां से लंग्स जुड़ता है उसकी सारा तामझाम आता है ना, उसको आर्टरीज आ रही है, उसकी ब्रोंकियोल जिधर से आ रही है, वेन सप्लाई हो रही है, नर्व सप्लाई हो रही है, ये पूरा का पूरा तामझाम एक छोटी स्ट्रक्चर के अंदर से आता है, उसी को बोलते हैं रूट ऑफ, ठीक है। तो वहां पे लिगामेंट बनता है, उनको थोड़ा बांध के रखता है, वो होता है पेराइटल प्लूरा का ही मॉडिफिकेशन कह सकते हैं उसको। अब दूसरी चीज आती है रिसेस ऑफ प्लूरा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अभी ये पूछा जाता है, और ये क्लिनिकल एस्पेक्ट इसके बहुत जरूरी होते हैं। अच्छा स्कूल में अपन पढ़ते थे तो एक रिसेस जानते हो, स्कूलों में एक रिसेस होता था, रिसेस का मतलब जानते हो क्या यस इसको, हाँ बताओ, स्कूल में रिसेस होता उसका मतलब बता दो, इंटरवेल इंटरवेल, वेरी गुड। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मैं इसी को दूसरी भाषा में बोलूं तो आपका, मैं ये कह सकता हूं कि पहले 4 पीरियड होते थे, फिर रिसेस होता था, और फिर उसके बाद में 4 पीरियड हो, फिर से हो जाते थे, है ना, पहले 4 क्लास लगती थी, फिर रिसेस हो गया, फिर से 4 क्लास हो गया। तो कहने का मतलब क्या, मैं ये कह दूं कि दो बीच में जो जगह मिली आपको, थोड़ा खाली टाइम मिला, उसी को क्या बोलते हैं, रिसेस बोलते हैं। रिसेस में आप क्या कर सकते हो, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो, खाना खा सकते हो, ठीक है, मतलब ये एक्स्ट्रा टाइम, कभी कुछ ज्यादा आपको पढ़ना है तो भी आप रिसेस में पढ़ सकते हो, अपना होमवर्क कर सकते हो, अगर इन 4 क्लासों का कुछ बचा हुआ है तो, ये सारे काम अपन रिसेस में किए हुए हैं।
इसी प्रकार का यही रिसेस का सेम ही मतलब होता है, रिसेस ऑफ प्लूरा, प्लूरा की रिसेस। रिसेस मतलब मान लीजिएगा आप श्वास ले रहे हो, श्वास ले रहे हो तो आपके फेफड़े क्या करते हैं, डायलेट करते हैं। अब देखो यहां पे मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने कहा भाई एक ये प्लूरा होती और एक ये लंग्स होते, ठीक है, और मैं कहूंगा कि भाई इसके बाहर ये क्या है, एक ये प्लूरा है मतलब इसके एकदम चिपक के है, और एक ये बाहर वाली प्लूरा है, ठीक है। अब मान लो आप श्वास ले रहे हो तो ये लंग्स क्या हो गए, मान लीजिएगा यहां तक डायलेट हो गए, यहां तक, ठीक है, यहां तक फूलेंगे थोड़ा, इसमें हवा भरेगी तो, हवा भरेगी तो फूलेंगे, तो यहां तक फूल गए। अब वापस यहां से वापस कोलेप्स हो गए तो हवा बाहर निकल गई, वापस आ गए, नॉर्मल आप बैठे हो तो ये हो रहा है। लेकिन अब मान लो आपको कोई इमरजेंसी आ गई, आपको भागना पड़ गया, भाग रहे हो तो आपके लंग्स अब यहां तक नहीं फूलेंगे, आपके लंग्स कहां तक जाएंगे, यहां तक जाएंगे, फिर वापस आएंगे, वापस यहां तक जाएंगे, यहां तक आएंगे। मतलब अब क्या चाहिए, प्लूरा के बीच में जगह चाहिए। क्या मैं ये कह दूं कि ये एक ऐसी जगह है जो जनरली आप काम में नहीं लेते, लेकिन जिस दिन ज्यादा डायलेट होना पड़ रहा है लंग्स को, उस दिन क्या है ये स्पेस भी आपके क्या काम आएगी। इसकी वजह से क्या होता है कि प्लूरा में कुछ एक दो जगह ऐसी होती है जहां पे खाली जगह छोड़ दी जाती है, ताकि अगर फेफड़ों को ज्यादा डायलेट होना पड़े, अब शरीर में इतनी नहीं है कि अपन ऐसे खाली जगह छोड़ते रहे कि भाई ठीक है थोड़ी थोड़ी दुगुनी दुगुनी जगह छोड़ दो, ऐसे नहीं होता है। तो कुछ जगह पे क्या करते हैं, खाली जगह छोड़ देते हैं, ताकि लंग्स, चलो इधर तो नहीं डायलेट हो पा रहा लेकिन इधर हो जाएगा, एक प्रकार से बस्ट नहीं होगा ऑर्गन, है ना, नहीं तो आपस में ऑर्गन टच बस्ट हो, इसलिए कुछ जगह पे खाली जगह छोड़ देते हैं, उसी को बोलते हैं रिसेस ऑफ प्लूरा। समझ रहे हो बात को। अब देखिएगा इनके कुछ नाम दे दिए, अब जिस साइड जो प्लूरा की खाली जगह रही उसको वही नाम दे दिया। जैसे कि देखियो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि देर आर टू रिसेस, दो ही रिसेस होती हैं ऑफ पेराइटल प्लूरा। किसकी होंगी, पेराइटल की रहेंगी, भाई विसरल तो चिपकी रहती है ना, उसकी क्या रिसेस होना, उसके बीच में जगह होती नहीं है तो पेराइटल में होती है। विच एक्ट एज ए रिजर्व स्पेस, वो एक प्रकार से रिजर्व स्पेस का काम करेगी फॉर द लंग्स टू एक्सपांड ड्यूरिंग डीप इंस्पायरेशन। आप लंबा सांस लोगे ना उसके लिए वो जगह बची हुई है। दो नाम है, पहला है कोस्टो मीडिया स्टेनल रिसेस, कोस्टो नाम तो दोनों में ही है, और एक है कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रिसेस। कोस्टो मतलब क्या हो गया, रिब्स को बोलते हैं, तो रिब्स तो होंगी होंगी पूरी, ये चारों तरफ की है तो रिब्स हैं, तो फिर रिब्स तो आएंगी। कह रहा है कि एक ऐसी जगह छोड़ दी जाएगी किधर, मीडिया स्टेनम की तरफ। अब मीडिया स्टेनम मैंने आपको पढ़ा दिया भाई क्या होती है, तो उस साइड जिधर हार्ट वगैरह होते हैं ना, दोनों ही लंग्स की बात कर रहा हूँ, उस साइड जो है थोड़ी जगह छोड़ दी जाती है, किधर होती है, इंटीरियर। मैंने कहा कि जिस साइड हार्ट होता है ना लंग्स के, उस बॉर्डर को इंटीरियर बोलते हैं, इसलिए कहीं भी ऐसी कोई चीज बतानी है कि वो उधर है तो आप लिखोगे इंटीरियरली। बिहाइंड स्टर्नम, किधर, स्टर्नम के पीछे, भाई स्टर्नम तो आगे है, इसके पीछे ही तो है फेफड़े, कोई नई बात नहीं है लेकिन लिख देंगे बिहाइंड स्टर्नम। कोस्टल कार्टिलेज बिटवीन द कोस्टल एंड मीडिया स्टर्नल प्लूरा, बस ये इतना सा याद कर लो, कहाँ होती है कोस्टो मीडियल रिसेस, कहाँ होती है कोस्टो से कोस्टल, और मीडिया स्टर्नल प्लूरा, तो इन दोनों के बीच में होती है, किस साइड, इंटीरियर साइड, कहाँ, स्टर्नम के पीछे। इसको क्या बोलते हैं, कोस्टो मीडिया स्टर्नल रिसेस। काम क्या है, जिस दिन आपको लंबा सांस लेना उस दिन बस ये जगह काम आ जाएगी। दूसरा क्या है, कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रिसेस, कहाँ है, एक टाइप तो अपनी रिब्स हो जाएंगी, दूसरी साइड उधर जगह है जहां पे क्या आपका डायफ्रम, देख लीजिएगा थोड़ा सा अपन समझेंगे। देखो एक जगह तो आपको ये मिल गई, नीचे डायग्राम है, एक जगह तो आपको ये मिल गई, किधर, जो आपकी ये है क्या, आपकी ये मीडिया स्टेनम, ये वाली बीच वाली मीडिया स्टेनम है, इधर ऑर्गन्स है, ठीक है, एक तो यहाँ पे खाली जगह है, ठीक है, और एक देखो यहाँ पे, ये तो इतनी दिख नहीं रही है लेकिन यहाँ पे, और एक देखो ये ज्यादा दिख रही है ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस है, फेफड़े इधर, ये कोना थोड़ा इधर फैल जाएगा, ठीक है, ये कौन सी हो गई, कोस्टो डायफ्रेगमेटिक। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, तो कोई भी आपको क्लास में कोई बच्चा पूछे, कोई आपके टीचर्स पूछे, तो आप दोनों बता दोगे कि कोस्टो मीडिया स्टेनल रिसेस होती है और एक कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रिसेस होती है। इसी को, क्योंकि इधर वर्टिब्रा भी आ जाती है, इसीलिए इसको बोल देते हैं कोस्टो वर्टिब्रल रिसेस, क्योंकि पीछे की तरफ बात करोगे तो क्या हो जाएंगे, वर्टिब्रीज इसके जस्ट पीछे है, तो इसलिए अपन इसको कोस्टो वर्टिब्रल भी कह देते हैं, लेकिन ये नहीं आता नाम, वर्टिब्रल आप नहीं देखो, कम देखोगे, कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रिसेस होता है वही इंपॉर्टेंट है, यही आता है, ठीक है। लाइज इनफीरियरली, ये वाला होता है इसको नीचे की तरफ, नीचे मतलब इनफीरियर, है ना, अपन बात भी तो करते हैं जनरली, इनफीरियर है, ठीक
इसको आप थोड़ा इंफीरियर समझ रहे हो, मेरे को आप सुपीरियर समझ रहे हो। तो लंग्स का ऊपर वाला पार्ट है वो तो क्या होता है, सुपीरियर होता है, नीचे वाला क्या होता है वो इंफीरियर होता है। इधर हार्ट की तरफ होता है वो क्या होता है, एंटीरियर होता है, और इस साइड होता है वो कौन सा होता है, लेटरल होता है। ये मैं बार बार बोलता रहूंगा तो आपको याद हो जाएगा, है ना, इनके लिए आपको परेशान नहीं होना। तो ये किधर होगा, लाइफ लाइज इंफीरियरली बिटवीन द कोस्टल एंड डायफ्रेगमेटिक प्लूरा, और प्लूरा के चार पार्ट होते हैं, कोस्टल होगा, मीडिया, ये मीडिया स्पिनल होता है, डायफ्रेगमेटिक होता है, ऊपर एपेक्स वाला हो जाता है। तो कहने का मतलब जिधर जो चीजें हैं वही उसका नाम रख दिया, है ना। तो अपेक्स की तरफ गर्दन होती है तो सर्वाइकल प्लूरा बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो ये इसके प्लूरा के पार्ट हो जाते हैं। तो प्लूरा में जो है भाई साहब इतनी ही चीजें आती है ना, और ये चीजें अपने को थोड़ी सी समझ लेनी है। उम्मीद करता हूँ आपको जो चीजें हैं वो आपको दिमाग में समझ में आई होंगी। फिर भी कोई ऐसी चीज है तो वो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, है ना। लेकिन कुछ भी छोड़ना नहीं है अपने को, जो अपन पढ़ा रहे हैं ना वो सफिशियंट है, इससे ज्यादा आपको कोई बोले तो भी मत पढ़ना, है ना। और आप अब कुछ भी पढ़ोगे, चाहे आप BDC भी उठा के देख लोगे ना, तो भी आपको ऐसी कोई चीज नहीं बचेगी जो या समझ में नहीं आती, है ना। ठीक है, चलिएगा। तो आज की क्लास में अपन इतनी ही बातें करेंगे, कल फिर, है ना, इसके दो पार्ट बचेंगे, एक डायफ्राम रहेगा और एक अपनी थोड़ी सी हिस्टोलॉजी का पार्ट होता है, वो मैं हल्का हल्का ही पढ़ाऊंगा क्योंकि हिस्टोलॉजी बहुत बोरिंग होती है, लेकिन जो चाहिएगा वो अपन पढ़ लेंगे, ठीक। चलिए।